hey guys this video is brought to you by the brilliant one football app there is so much happening around the world of football right now and it is so difficult to keep a track of everything well one football makes that very easy for you one football is my personal go-to app whenever i need to look up something about chelsea about premier league la liga bundesliga syria league everything is available out there every transfer rumor

अब देखिए 2005 से लियोनल मेसी हर साल नॉमिनेट हुए हैं बैलेंडोर के लिए जिसमें से सात बार उन्होंने जीता है और पहली बार ऐसा हुआ है कि वो बैलेंडोर के लिए नॉमिनेट नहीं हुए हैं यहाँ पर एक बार चलिए नज़र डाल लेते हैं कि तीस नॉमिनीज जो तीस नॉमिनीज कौन कौन है जिनको एक्चुअली में नॉमिनेट किया गया है करीम बेनजिमा रॉबर्ट लेवन डॉस्की सोन क्रिस्टियानो रोनाल्डो मोहम्मद साला क्रिस्टोफर एनकूंकू जोशुआ केमिक विनीशियस जूनियर लुइस डियास बर्नाडो सिल्वा ट्रेंट एलेक्जेंडर आर्नल्ड रफाइल लियाओ तीबो कर्टुआ कैसेमेरो फबीनियो याद मारे हेरिकेन माइक मानियान डारविन न्यूनेस फिल फोर्डन सादियो माने सुभाष हालर लुका मोद्रिच केविन डिब्रॉना एंटोनियो रूडिगर दूसान लाहोविच वर्जिल वेंडाइक जाओ कंसेलो किलियन एम्बापे और अर्लिंग हाल एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल कि भाई चलिए मेसी को आपने नहीं नॉमिनेट किया क्योंकि उनका सीजन ऑब्वियसली उतना अच्छा नहीं रहा बस बाय हिज रिडिकुलसली हाई स्टैंडर्ड्स जो मेसी ने अपने लिए सेट किए हुए हैं एंड विच इज़ अंडरस्टैंडेबल यार क्योंकि एक बंदा जो बचपन से एक क्लब में रहा है जिसने अपनी सारी जिंदगी एक जगह बिताई है वो एकदम से नए इन्वायरमेंट में आता है नई सिटी में आता है नई कंट्री में आता है नई लीग में आता है और उसको एडजस्ट करने के लिए बहुत सारा मतलब उसको एक तो पहली बात तो उसके लिए सब कुछ एलियन है सारी सिचुएशंस नई हैं सब कुछ नया है और मतलब बहुत उसके लिए मुश्किल है नई जगह एडजस्ट करना और जिस तरीके से डिपार्चर हुआ है बार्सिलोना से, से तो देर इज़ अ मेंटल एस्पेक्ट टू एवरी और उसको शायद बहुत लोग डिसरिगार्ड कर रहे हैं कि नहीं यार मैसी है तो ही इज़ सपोज टू परफॉर्म एवरीवेयर ही इज़ अ प्रोफेशनल फुटबॉलर तो इन सब चीज़ों की जगह नहीं होती है फ़ुटबॉल में तो विच आई कम्प्लीटली डिसअग्री विथ अगर ऐसा होता तो ऑफ़ फील्ड इशूज़ की वजह से बहुत सारे प्लेयर्स के करियर पर फ़र्क ना पड़ा होता एज मच एज वी कैन से मैसी की तारीफ़ में कि ही इज़ नॉट फ्राम दिस वर्ल्ड और ही इज़ एन एलियन बट ही इज़ अमूमन बींग और इमोशन्स और जो ऑफ फील्ड इशूज़ होते हैं उसका एक खासा असर पड़ता है आपकी ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेज पर तो ठीक है मतलब मतलब लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट हो भी सकते हैं कि मैसी का नाम जो है वो होना चाहिए था इस लिस्ट में अब यहाँ पर मेरा ये पॉइंट है कि क्या मैसी को किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ प्रूव करने की अब ज़रूरत बची है अपने करियर की स्टेज में कि अगर मैसी नॉमिनेट नहीं होते हैं या मैसी नहीं इस बार बैल इंडोर जीत पाएंगे तो इससे उनके करियर को या उनकी लेगेसी को किसी भी तरीके का दाग लग जाता है या कोई भी तरीके की ब्लेमिश लग जाती है मेरे लिए तो नहीं ऐसा है अगर मान लीजिए लास्ट ईयर भी मेसी ना जीत के इलेवन डॉस की जीतते तो भी मेरे लिए मेसी उतने ही महान प्लेयर रहते जितने आज हैं उतने ही महान प्लेयर रहते छः बैल के बाद जितने सात बैलेंडोर के बाद हैं क्योंकि सात बैलेंडोर जीतना पाँच बैलेंडोर जीतना और मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद आगे जाके अचीव नहीं हो पाएगी और यही रोनाल्डो और मेसी को महान बनाती हैं ये चीज़ें है। कि उनको अब कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है मतलब हम क्या कर रहे हैं ना उनकी लेगेसी को इंसल्ट कर रहे हैं अगर हम एक दूसरे से उनको कंपेयर करके एक को ऊंचा बता देते हैं एक को नीचा बता देते हैं हम दोनों को इन्जॉय नहीं करना चाह रहे और आप लोगों को रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि ये दोनों प्लेयर जो हैं जो दोनों महान खिलाड़ी हैं रोनाडो और मेसी ये अपने करियर के लास्ट लेग में चल रहे हैं दो साल तीन साल कितना टाइम बचा है दोनों प्लेयर्स के पास किसी को नहीं पता हमें तो मतलब अच्छा ही लगेगा और वी होप कि जितना ये लंबा खेल सकते हैं खेले अगले वर्ल्ड कप तक 2026 तक खेल अगर इनके बॉडी इनको अलाउ करती है और ये उस, और इस स्टेट में रहते हैं कि उस टाइम तक भी ये उसी लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं तो बिल्कुल मतलब उससे बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती बट सूनर और लेटर दीज प्लेयर्स विल हैंग देयर बूट्स और अलविदा कहेंगे ये गेम को और हमको इस समय सिर्फ इनको इन्जॉय करना चाहिए इन पेटी डिस्कशंस में इन फालतू की चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए कि भाई अगर मैसी को नॉमिनेशन नहीं मिला है तो देखिए वो तो किसी भी तरीके से अच्छे प्लेयर नहीं हैं एंड दी अदर वे राउंड ऑल्सो अगर रोनाल्डो को भी नहीं मिलता तो आप उनके लिए भी ऐसा ना कहें मतलब कोई तर्क नहीं है इसमें कोई तुक नहीं है इन सब चीज़ों में एंड आई थिंक हम इन प्लेयर्स की लेगेसी को और इन प्लेयर्स की महानता को नीचा दिखाते हैं अगर हम इस तरीके की हरकतें करते हैं तो आई थिंक इट्स नॉट सो मच ऑफ अ बिग डील कि मैसी को नॉमिनेट नहीं किया गया क्योंकि आई थिंक मैसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है एक परसेंट भी क्योंकि क्योंकि अगर मैं मैसी को देखूं तो मैसी ने एक ट्रेंड चालू किया मतलब मैसी की वजह से ही बहुत लोगों ने फुटबॉल देखना चालू किया और ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप एक कल्चरल इम्पैक्ट डालते हैं एक जनरेशन ऑफ़ फ़ुटबॉल फैंस पे तो वो अहदा है मैसी का फुटबॉल फैंस के लिए तो आई थिंक इसमें ज़्यादा कुछ हमको हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मैसी को नॉमिनेट नहीं किया गया वो अब क्या होगा कैसे होगा अरे यार ये तो गलत है नॉमिनेशन तो देनी चाहिए थी आई थिंक देखिए ये बैलनडोर ही जो है ये एक नरेटिव एक कॉन्स्ट्रेक्ट हमारी तरफ से ही बना दिया गया है कि भाई जिसको बैलनडोर मिलता है वो महान प्लेयर हो जाता है जिसको नहीं मिलता वो महान प्लेयर नहीं होता है तो बैलन डोर ही जो है वो रूट कॉज है सारी चीज़ों का सारे कॉन्फ्लिक्ट सारी लड़ाइयों का तो बैल को तो मैं पिछले साल भी कह रहा था जब ये चल रही थी कंट्रोवर्सी कि सीरियसली ना लें जो आपके लिए बेस्ट प्लेयर है वो आपके लिए बेस्ट प्लेयर रहेगा आपको कोई उसके वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है या कोई आपको दूसरा बंदा आके नहीं बता सकता कि आप जिस प्लेयर को सपोर्ट करते हैं या आप जिस प्लेयर को मानते हैं बहुत ज़्यादा वो किसी से कम है तो जैसे मैं कहता हूँ फॉर मी ड्रॉपबॉल विल ऑलवेज़ बी द बेस्ट अब यहाँ पर लोग स्टैट्स लगा देंगे ये लगा देंगे वो लगा देंगे उनका ओपिनियन है लगा दीजिए आप बता दीजिए कि ये एटो ने ये कर दिया है और किसी पर्टिकुलर प्लेयर ने ये कर दिया है और ये मेरे को बहुत फ्रीक्वेंटली मिलता है बट उससे मेरा ओपिनियन थोड़ी चेंज हो जाता है फेवरेट प्लेयर जो होता है जो भी बंदा फुटबॉल देखना स्टार्ट करता है जो उसका फेवरेट प्लेयर होता है वो फेवरेट प्लेयर इस लिहाज से बनता है उस बंदे या बंदी का कि उसने उसको कितनी खुशी दी है जो आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं फुटबॉल देखते समय मुझे सबसे ज़्यादा खुशी डी डी ने दी है तो ड्रॉगबा मेरे लिए गोट है मेरे फेवरेट प्लेयर ऑफ़ ऑल टाइम है यहाँ पर फुटबॉलिंग एबिलिटी की बात नहीं होती है यहाँ पर स्टैट्स की बात नहीं होती यहाँ पर आपका इमोशनल अटैचमेंट होता है आपके फेवरेट प्लेयर के साथ तो उसने आपको फ़ुटबॉल देखते समय जब आप फ़ुटबॉल देख रहे हैं और वो जब खेल रहे हैं तो किसने आपको सबसे ज़्यादा खुशी दी है एज अ फुटबॉल फ़ैन तो ये एक चीज़ है इमोशनल क्वेश्चन जो है यहाँ पर एक रोल प्ले करता है रादर देन स्टैट्स और अचीवमेंट्स और ट्रोफ़ीज एंड ऑल दो थिंग्स आई डोंट थिंक मैटर इट्स जस्ट दैट कि आप किस प्लेयर को कितना ज़्यादा मानते हैं और कितना ज़्यादा प्यार करते हैं फिर बाकी सारी चीज़ें तो इेलीवेंट हो जाती हैं फिर बाकी जो सारी चीज़ें होती हैं वो एक बस आर्ग्यूमेंट बन जाती हैं कि आप मेरे प्लेयर को ज़्यादा ऊपर माने आप मेरे प्लेयर को ज़्यादा बेहतर माने बिकॉज इसने ये कर दिया इतने गोल मार दिए इसने इतनी ट्रॉफीज जीत ली हैं तो वो सारी एक बस पर्दा लगा देती है उन सारी चीज़ों पे बट आप मान लीजिए कि आपका इमोशनल कनेक्ट है आपके फेवरेट प्लेयर के साथ तो आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है किसी के सामने कि आप जिस प्लेयर को बेहतर मानते हैं वो क्यों किसी पर्टिकुलर प्लेयर से बेहतर है तो ये करते समय आपको दूसरे प्लेयर को नीचा भी नहीं दिखाना है तो आई होप आपको मेरा मैसेज मिल गया होगा एंड इट्स नॉट अ बिग डील यार मैसी ने बहुत कुछ उखाड़ लिया अपनी लाइफ में एंड सेम विद रोनाल्डो आल्सो इतने दो महान प्लेयरों का अगर कुछ एक बैलेंडोर कम मिलता है या नॉमिनेशन नहीं होता है तो इतना कुछ नहीं फर्क पड़ता है बस दोनों का गेम देखो इन्जॉय करो और जितना टाइम बचाए उसको बस संजो के रखो भाई क्योंकि ज़्यादा बचा है नहीं चलेगा इस पर मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ ध्यान रखें अपना टेक केयर एंड पीस